এবছৰ পূৰ্বে নিখোজ হোৱা প্ৰতিসন্ধানত কলকাতাৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছেহি এগৰাকী মহিলা আৰু এই মহিলাগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে যে তেওঁ প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে 2021 চনত তেওঁ হুজাই এগৰাকী যুৱক সুভাষ দাস ফটো দেখাইয়ে সুভাষ দাসৰ সৈতে পৰিচয় হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আসলতে তেওঁলোকৰ যি বিবাহ তেওঁলোকে সম্পন্ন হৈছিল বিশেষকৈ সোশ্যাল মিডিয়া फेसबुकত তেওঁলোকে পৰিচয় হোৱা বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ফেসবুকত পৰিচয় হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল এয়া তেওঁ ফটো দেখুৱাইছে আৰু তেখেতৰ নাম পিঙ্কি সাহা আৰু তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই যুৱকজনে মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱাৰ এক অঞ্চলত তেওঁ বাস কৰি আছে তেওঁক এৰি থৈ আহিছে और उसका खुद का बहन का घर इधर में है खुद का बहन कैसे मिला आप उससे आपका पति है जो कैसे मिला कब मिला दुर्गा पूजा का पहले मैं इधर में आया था तो पुलिस उसको पकड़ा था तो मैं उसके साथ बात भी किया वो मुझे बोला कलकत्ता चला जाओ मैं आ जाऊंगी दुर्गा पूजा में उसके ऊपर फिर से मैं विश्वास कर लिया तो मैं विश्वास मैंने करना नहीं चाहिए था बट एक पति है ना प्यार का रिश्ता है ना तो इसलिए विश्वास कर लिया। मेरा घर कलकत्ता में है 20/14B मुरारीपुकुर रोड कलकत्ता 67 कलकत्ता। मेरा नाम पिंकी साहा है। कब मिले आप इससे? मैं पहले मिला 2021 में और मेरा फेसबुक और स्टार मेकर से इसके साथ मेरा रिश्ता 8 महीना रहा। 8 पहले दोस्ती था उसके बाद प्यार में बदल गया उसके बाद हम दोनों कोर्ट रजिस्ट्री कर लिया उसके बाद हम लोग का शादी हुआ। तो शादी हुआ कालीघाट में मैंने इसमें वही कालीघाट कलकत्ता कालीघाट तो सभी जानता है ना वहाँ पे हुआ। उसके बाद मेरे साथ 5 महीना 11 दिन था हाँ मेरे ही साथ था कलकत्ता में। उसके बाद वो बिना बोल के एक झाड़ू पोछा छोटा सा एक ठो बहाना करके निकल गया। वैसा बहाना कोई पति पत्नी का जुदा नहीं होता है। हाँ तो उसके बाद मैं सोचा ठीक है लड़का थोड़ा गुस्सा में है निकल गया। उतना मैं डिटेल्स मैं नहीं समझा जो इतना साल लगा देगा आने के लिए। मैं सोचा जो ठीक है हो सकता है उसका मन में मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा आ गया बोल के निकल गया। तो मैं क्या किया उसके पीछे पीछे मैं भी निकल गया देखती हूँ कहाँ तक वो जाता है। तो मैंने ऐसा फोटो मैं कितना जगह में पोस्टर किया कितना मैंने वो कोई ये नहीं है। मैंने पूरा आसाम में ही पोस्ट किया पूरा जलपाईगुड़ी में पोस्ट किया जेतु वो आसाम बोल रहा था तो मैं आसाम का कोना कोना में पोस्ट किया। लास्ट में मुझे फेसबुक से पता चला जो उसका घर का एड्रेस कहाँ पर है मतलब वो उजाई का कहाँ पर है मैंने हावड़ा घाट का कौन सा जगह में रहता है मुझे बाद में पता चला। यहाँ पे आप कैसे पता चला? यहाँ पे पता चला उसका दोस्त मुझे फ़ोन नंबर दिया उसका। तो बोला तू इतना कष्ट कर रहा है 2 साल से अपना पति को ढूंढ रहा है अभी तक नहीं आया तेरा पति तेरे पास तू ढूंढ मैंने तू तेरे को दे रही हूँ क्योंकि तू इतना उसके लिए तू इतना कष्ट कर रहा है तेरे को मैं दे रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तू दे। तो मैंने बोला तुझे कैसे मिला मैं उसको सवाल किया तुझे कैसे मिला। अभी आपको क्या लग रहा है कि वो आपसे भाग रहा है? हाँ मेरे से भाग रहा है। वो यहाँ पे शादी किया है वो खुद बोलता है मुझे। मैंने वो यहाँ पे मैंने जब मैं उसको पुलिस से पकड़ा था बात किया था मुझे कलकत्ता भेज दिया। 8 बार फ़ोन करके मुझे बोला जो तू मेरे को पैसा दे। तो मैंने बोला क्यों दूंगी पैसा बोल तो वो पहले तू आ जा मैं दे दूंगी मेरा जो भी कुछ है सब तेरे नाम पे कर दूंगी। मैं बोलना चाहूँगी जो तुम 10 शादी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे साथ मेरे घर में रहना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा जो जगह में तुम जो जगह में हो माथा का नीचे में माने छत का नीचे में तुम मुझे उधर रखो बट मेरे तुम्हारे साथ रहना है। तुम मेरे को शादी किए मैं कोई ऐसा वैसा लड़की नहीं हूँ जो मेरे को आज शादी किए तुम बोलोगे तू दूसरा शादी कर ले तुझे 1 लाख रुपया का मोबाइल गिफ्ट करेंगे। ये सब कॉल में सब है डिटेल्स है। वो क्या काम करता है मुझे इतना पता है वो कंप्यूटर का मास्टर पीस है नेटवर्क दुनिया का वो मास्टर पीस है तभी ना भागा वो भाग के है वो छोड़ के चला गया। मैं तो उसको छोड़ा नहीं हूँ वो धोखा दे सकता है मैं तो उसको धोखा नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कोई भी इंसान उसको देखे तो उसको पकड़ ले पकड़ के हमको बुला ले हम दोनों एक साथ बात करें जो वो मेरे साथ रहेगा और नहीं भी रहेगा तो उसको तो कुछ हम तो पुलिस का हेल्प लिया। हाँ पुलिस तो हेल्प लिया मैंने ओसी सर का हेल्प लिया मैंने। ओसी सर मेरे को हेल्प किया जो किया है जो इंसान किया है उसके बारे में क्यों झूठ बोलूँ। वो हम दोनों को मिला भी दिया बट गलती तो ये इसका है ना ये तो मिला भी दिया पुलिस मुझे मिला भी दिया बट ये नहीं ये मुझे उल्लू बना दिया। पुलिस तो मिला भी दिया ये मुझे फिर से उल्लू बना दिया। तो इसको मिलने से क्या होगा, ये फिर भागेगा ना, तो इसलिए चाहती हूँ जो इसको ऐसा जैसे पुलिस हो, मीडिया का कोई भी इंसान हो, मुझे पकड़ के इसको हमको दे, एक तो विचार हो जो ये सच्ची में क्या चाहता है, सच में क्या चाहता है। ऐसा मैं भुगत रही हूँ 2 साल से, आज मैं कुछ भी मेरा हो जाएगा तो इसको तो प्रॉब्लम तो आएगा ही ना।